हेलो एवरीवन, मैं हूँ कार्तिक कुशवा और आप लोग देख रहे हो मिस्टर एक्सपेरिमेंट्स। और यहाँ पर हमारे पास काफी सारे पेन्स हैं और आज के वीडियो में हम पेन के साथ कई अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करने वाले हैं। तो क्या हम पेन से लिखने वाले हैं? तो भाई आप बिल्कुल ही गलत सोच रहे हो। आज के वीडियो में हम पेन से कुछ भी नहीं लिखने वाले हैं, बल्कि 3 अमेजिंग पेन इंक एक्सपेरिमेंट्स ट्राई करने वाले हैं। तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है आज के वीडियो में, इसका सेकंड पार्ट भी आएगा। तो सेकंड पार्ट के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भाई स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। यहाँ पर हमारे पास इंक की एक बोतल है और यहाँ पर इंक लिक्विड फॉर्म में है। तो हम सबसे पहले तो इंक को उबाल कर देखेंगे, इसे बॉईल कर देखेंगे कि किस तरीके का हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं एक प्लेट को रख देता हूँ। यहाँ पर इंडक्शन को करते हैं ऑन और काफ़ी जल्दी जो हमारी पेट है वो गर्म हो चुकी है। तो चलिए अब इसके ऊपर इंक डालते हैं और भाई आपको काफ़ी अमेजिंग एक्सपेरिमेंट्स देखने को मिल जाएंगे इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल से कर दीजिएगा। और भाई यहाँ पर आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया तरीके से जो इंक है उबल रही है। मैं आपको इसकी आवाज़ भी सुना देता हूँ। तो भाई यहाँ पर हम कर देते हैं इंडक्शन को ऑफ और यहाँ पर हमारी जो इंक है वो उबल कर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर आपको मैं एंड में रिजल्ट दिखाता हूँ कि कुछ इस तरीके से जो हमारी इंक है वो आपको एंड में फाइनल में देखने को मिलती है। और यहाँ पर मैं स्केल के साथ इसे कुछ दिखा देता हूँ, देखिए कितनी मोटी हो चुकी है। तो चलिए सेकंड नंबर पर चलते हैं। यहाँ पर हमने एक पेन का यूज़ किया है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूँ ये पेन एकदम वर्किंग कंडीशन में है। तो भाई यहाँ पर हम जो पेन है उसकी रिफ़िल को निकाल लेते हैं। तो चलिए फटाफट से पेन को खोलते हैं और भाई इसकी रिफ़िल को अलग कर लेते हैं। और आप देख सकते हो रिफ़िल पूरी भरी हुई है, बट यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं केरोसिन का, मिट्टी का तेल को हम यूज़ करने वाले हैं और इंजेक्शन की मदद से इसे ले लेंगे। तो इंजेक्शन को हम लगाने वाले नहीं हैं, बल्कि इस रिफ़िल के अंदर केरोसिन को इंजेक्ट करने वाले हैं। तो चलिए इसको भी ट्राई करके देखते हैं और आपको मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगा किस तरीके से हमें रिज़ल्ट देखने को मिलता है। और भाई यहाँ पर मैं आपको दिखा नहीं पाया किस तरीके से मैंने इसे इंजेक्ट कराया, पर आप यहाँ पर देख सकते हो जो केरोसिन है वो रिफ़िल के अंदर चले गया। तो भाई यहाँ पर हम स्लो मोशन में भी आप देख सकते हो कितनी बढ़िया तरीके से जो इंक है इसमें मिक्स हो रही है। सो भाई यहाँ पर आपको प्लेन में थोड़ा सा चेंज देखने को मिलता है। यहाँ पर जो इंक है वो मैंने एक स्टोन ब्लॉक के ऊपर रख दी और इसके ऊपर अब मैं थोड़ा सा केरोसिन डाल देता हूँ और इसको हम लगाते हैं आग। और किस तरीके का आपको नज़ारा देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। देखता हूँ कैमरे में कैप्चर हो पाता है या नहीं और इसके स्लो मोशन शॉर्ट्स भी देखने वाले है। तो देखिएगा इसे, अभी तो हम फास्ट मोशन में देखेंगे बट इसके स्लो मोशन भी देखने को मिलेंगे। सो भाई ये जो भी हो रहा है वो केरोसिन और एयर की मदद से हो रहा है, मीन्स एयर से ये जो हो रहा है वो सब एयर और केरोसिन की मदद से हो रहा है। तो ये काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव हमें देखने को मिलता है और भाई काफ़ी मज़ा आता है इसे। आप अगर आप रियलिटी में, हमें नहीं दिखा सकता बट रियलिटी में देखने में ये काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग लगता है। और यहाँ पर मैंने स्पीड को थोड़ी सी कम भी करी है ताकि आपको अच्छे से देखने को मिल जाए। तो चलिए अब इसको ही 4K HD स्लो मोशन में देखते हैं। तो भाई यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और आगे नंबर 3 पर हमारे पास आता है जो कि काफ़ी ज़्यादा यूनिक है। तो यहाँ पर हमने यूज़ किया है वाटर का, मतलब यहाँ पर हम पानी का यूज़ करने वाले हैं और पानी में इंक को डालेंगे और किस तरीके हमें रिज़ल्ट देखने को मिलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होने वाला है। तो भाई चलिए इंक को डालते और इसका स्लो मोशन शॉर्ट्स भी देखने वाले है। सो भाई यहाँ पर आपको मैं 4K स्लो मोशन शॉर्ट्स दिखाता हूँ इसका।
सो भाई यहाँ पर जो आपको इंक देखने को मिलती है वो काफ़ी ज़्यादा लो क्वालिटी की है, मतलब काफ़ी ज़्यादा लो है। मुझे जो अवेलेबल मार्केट में हो सके मैं वही वाली को यूज़ करने वाला हूँ। तो कुछ यहाँ पर हम मिल्क में से ट्राई करने वाले और मिल्क में देखते हैं क्या रिएक्शन इसकी होती है और किस तरीके से हमारे शॉर्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। तो चलिए इसे इंक में ट्राई करते हैं। सो भाई यहाँ पर मैं इसे एक लकड़ी की मदद से इसे मतलब मिक्स करके आपको दिखा देता हूँ। और भाई मैं एक बात बताऊँ आपको कि जो हमारा जो मिल्क है वो फट चुका है, ठीक है, इंक के जाता ही जो हमारा मिल्क है वो फट चुका है और आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से इसके पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब यहाँ पर एंड में हम चलते हैं, हमारे पास यहाँ पर केरोसिन, केरोसिन मतलब कि मिट्टी का तेल, और यहाँ पर हम यूज़ करने वाले स्टेप्स टेस्ट ट्यूब का। तो टेस्ट ट्यूब में हम मिट्टी के तेल को डालने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, मैंने इसे पहले भी ट्राई करा है। तो भाई आपको यहाँ पर काफ़ी अमेजिंग नज़ारा देखने को मिलता है, इसका भी स्लो मोशन शॉट्स हम देखते हैं। और यहाँ पर जो मिट्टी का तेल है वो बॉटम में जाके बैठ चुका है, मतलब नीचे बैठ चुका है। तो चलिए अब इसका स्लो मोशन भी देखते हैं। सो भाई मैं यहाँ पर आपको बता दूँ जो मिट्टी का तेल है उसमें जो हमने जैसे ही इंक डाली इंक बॉटम में जाके बैठ चुकी है और एंड में हमें ऐसा रिजल्ट देखने को मिलता है। तो पार्ट टू के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।